हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑल राउंडर पे। कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा था जो कि आपका जो गेट वॉल्व होता है उसके हैंडल रिपेयर के ऊपर था कि उसे किस तरह से रिपेयर करा जाए। उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स इस तरह के मिल रहे थे जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसमें आपने जैसा कि देखा होगा, ज़्यादातर लोगों की क्वेरी यही है कि इसमें जो लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है उसे किस तरह से ठीक करा जाए, या फिर इसका जो वॉल्व होता है वो लूज़ हो जाता है उसे किस तरह से सही करें। तो सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा। ये मेरे पास एक गेट वॉल्व है, मैं इसे पाइप रिंच की मदद से खोल रहा हूँ और इसे बहुत सावधानी से खोलिएगा क्योंकि इसमें बहुत कम गैप होता है खोलने के लिए। तो इसे मैं धीरे धीरे करके खोल रहा हूँ। तो ये मैंने इसका ऊपर का पोर्शन निकाल लिया है और इसके बाद हम इसका हैंडल निकालेंगे। हैंडल को थोड़ा ज़ोर से या किसी पतली पिन वगैरह से या स्क्रू ड्राइवर से आप इसे की प्लास्टिक को थोड़ा ऊपर करके उसे निकाल सकते हैं बाहर। ये थोड़ा टाइट करके लगा हुआ होता है तो इसे लूज़ करके थोड़ा निकालना होता है। और ये जो ट्रिक है ये दोनों ही तरह के ब्रास और प्लास्टिक के जो गेट वॉल्व होते हैं उन पर काम करेगी क्योंकि दोनों का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो ये मैंने इसके अंदर की वॉल्व निकाल ली है और ये इसका वॉशर होता है। तो ये दो वॉशर दोनों साइड से लगा के इसका जो पानी का जो प्रेशर होता है उसे रोका जाता है। ये अंदर इस तरह से एक वॉशर लगा होता है और इस वॉशर के अलावा इसमें एक सील लगी हुई होती है जिसे ओरिंग भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से भी इसकी लीकेज होती है। तो दो वॉशर हैं इसमें और एक ओरिंग है और एक इसका जब हम हैंडल निकालेंगे तो उस हैंडल शाफ्ट के नीचे एक और ओरिंग लगा हुआ होता है जो कि इसके जो हैंडल पे से जो लीकेज होती है उसके लिए लगाया जाता है। अब मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो एक वॉशर इसके जो नीचे की तरफ लगाया है हमने और ये इसकी जो शाफ्ट है ये हमने लगा दी। इसके अंदर बॉल फिक्स होती है, ये बॉल इस तरह से इसमें लगी हुई होती है। तो जब हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो उसके साथ ये बॉल अटैच हो जाती है इस तरह से और ये घूमती है। और इसके बाद इसके ऊपर की तरफ एक और वॉशर लगा होता है जो कि इसके बीच के जो गैप को है उसे ख़त्म कर देता है और जो पानी होता है वो इसी के बीच में रुक के रह जाता है। अब इसका लीकेज का जो कारण है वो सबसे बड़ा यही होता है कि इसको चलाते चलाते आपके इसमें जो वॉशर होते हैं वो थोड़े दब जाते हैं या थोड़ी सी जगह बन जाती है जिसकी वजह से इसमें जो पानी की लीकेज होती है उन वॉशर में थोड़ा सा गैप बनने के कारण वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी निकलने लगता है। तो या तो अगर वो बाहर की तरफ से आ रहा है तो वो ओरिंग की वजह से होगा, और अंदर से पाइप में से आ रहा है तो वो वॉशर की वजह से होगा, और हैंडल पे ऊपर आ रहा है तो भी वो ओरिंग की वजह से होगा। और आप लोगों में से चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के और जो मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब इसकी जो रिपेयर है वो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए आपको कोई एक प्लास्टिक की पतली फिल्म की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप किसी भी पुरानी मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप निकाल सकते हैं। तो इससे मैं बॉटल में से एक प्लास्टिक की शीट थोड़ी सी टुकड़ा निकाल लेता हूँ और ओरिंग का भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ओरिंग इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है मार्केट में। तो पहले तो ये वॉशर का बता रहा हूँ आपको, ये वॉशर की अगर लीकेज है तो वॉशर को आप किस तरह से रोक सकते हैं, इसमें जो गैप है उसे किस तरह से ख़त्म करा जाएगा। तो ये मैंने प्लास्टिक की जो एक छोटा सा टुकड़ा है वो बॉटल में से निकाल लिया है। अब इसको वॉशर के बराबर मैं इसे मार्किंग करके एक गोल रिंग निकाल लूँगा इसमें से। इस प्लास्टिक के पीस को लगाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि इसमें जो चलाने से हमारे जो इसके वेयर एंड टेयर होके जो इसका गैप थोड़ा बन जाता है जिससे लीकेज हो जाती है उसको हम एक पैकिंग की तरह इसे यूज़ करेंगे और पैकिंग से उसका जो स्पेस है उसे ख़त्म करेंगे जिसकी वजह से इसकी लीकेज जो है वो रुक जाएगी। तो ये मैंने एक जो वॉशर है उसके साइज़ का एक और पैकिंग निकाल लिया है। तो ये हम किसी भी साइड में लगा सकते हैं ताकि क्योंकि हमें इसकी लीकेज रोकनी है तो वॉशर हम चाहे ऊपर वाले साइड में लगा दें चाहे नीचे वाले साइड में लगा दें। तो ये मैं नीचे वाली साइड में लगा रहा हूँ। तो ये मैंने पहले इसकी जो पैकिंग है प्लास्टिक की जो मैंने काटी थी वो लगा दी, उसके ऊपर से वॉशर रख दिया। और इसमें बहुत माइन्यूट सा गैप होता है इसलिए आप इससे ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा प्लास्टिक की फिल्म वगैरह। और ये हम ओरिंग लगा रहे हैं। अगर ओरिंग में लीकेज हो रही है बाहर की तरफ से तो आप इस पर जो टेफ्लॉन टेप होता है वो चारों तरफ इसके लपेट दीजिए और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसे रिंग को ऊपर चढ़ा दीजिए तो इससे जो बाहर की लीकेज है वो रुक जाएगी। क्योंकि टेफ्लॉन टेप भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा लेकिन ओरिंग थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो अगर हैंडल की तरफ से तो इस वाले ओरिंग पे आप टेफ्लॉन लगा दीजिए तो ये इस तरह से जो ओरिंग की जो लीकेज है वो टेफ्लॉन टेप से रुक जाएगी। और अंदर की जो बॉल की जो लीकेज है जो कि पाइप के में से आपके पानी टपक रहा हो वो जो लीकेज है वो आपकी जो प्लास्टिक की पैकिंग है उसकी वजह से रुकेगी। तो ये मैंने लगा दिया है, इसे वापस मैं टाइट कर रहा हूँ।
ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है। इसे आप अपना कोई भी जो गेट वॉल्व है उसमें यूज़ करके उसकी लीकेज को आसानी से रोक सकते हैं। अब हम इसे वापस स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद आप देखेंगे जितनी आसानी से ये जो इसका हैंडल था वो मूव हो रहा था, अब वो उतना आसानी से मूव नहीं होगा। इसे काफ़ी ज़ोर से अब हमें लगाना पड़ेगा इसे घुमाने के लिए, क्योंकि इसके बीच में जो गैप बन गया था वो गैप अब ख़त्म हो गया है। लीकेज की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो इंस्टा आईडी पर शो हो रही है उस पर फॉलो करके आप मुझसे कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी गेट वॉल्व में जो लीकेज की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं और हैंडल जो आपका ढीला हो जाता है उसे भी टाइट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नई ट्रिक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।